ये जो बछड़ा आप देख रहे हैं इसको डॉग्स ने घेर के अटैक कर दिया था और ये ऐसी हालत में था कि वो ज़मीन से उठ भी नहीं पा रहा था। दरअसल हमें घबराई हुई लड़की की कॉल आई और उसने हमें बताया एक गाय के बच्चे को डॉग्स घेर के अटैक कर रहे हैं और अगर हम जल्दी नहीं आए तो वो डॉग शायद उसे काट के जान से मार देंगे। हमारी टीम तुरंत उस बछड़े को रेस्क्यू करने निकल गई और जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वो नन्हा सा बच्चा मैदान में अकेला भूखा और प्यासा लेटा हुआ था। ये देख के हमें थोड़ी राहत मिली कि वो जिंदा है और डॉग्स उसके आसपास नहीं थे। जब साहिल उसके पास गया तो हमें समझ आया कि उसकी पीठ में डॉग बाइट्स के जख्म थे और खड़े होने की कोशिश करने के बावजूद वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब इसमें उन डॉग्स को भी क्या ही बोल सकते हैं, उन बेचारों को भी हर जगह खाने के नाम पे शायद पत्थर ही मिलते होंगे। जब हम उसे उठा के ले जाने वाले थे तो एक गाय दूर से हमारी तरफ आने लगी और वो उस बछड़े के करीब आके खड़ी हो गई। वो अपने बच्चे के जख्म को अपनी जीभ से बड़े प्रेम से साफ करने लगी, जैसे छोटे में चोट लगने पे हमारी माँ प्रेम से हमें मरहम पट्टी करती थी। हमने प्लान बनाया कि हम में से दो लोग उसकी माँ को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और दो लोग उस बच्चे को जल्दी से वहां से उठा के अपनी रेस्क्यू जीप में रख लेंगे। और हमें जैसे ही मौका मिला हमने उस बछड़े को वहां से उठाया और अपनी गाड़ी में रख लिया। पर उसकी माँ को यह पता चल गया था कि हम उसे वहां से ले जा रहे हैं और वो बेचारी जोर जोर से चीखे लगाने लगी। उसकी दर्द भरी आंखें सिर्फ अपने बच्चे की तलाश में थी और वो उसे ढूंढते ढूंढते हमारी गाड़ी का पीछा करने लगी। अब माँ को तो नहीं पता ना हम बच्चे को अस्पताल ले जा रहे हैं या कत्ल खाने। वो बेचारी तो गाड़ी के पीछे इसलिए भागी कि भाई कसाई की छुरी के नीचे वो बच्चे की जगह अपनी गर्दन रख दे। और हम इसको देख के ये सोच रहे थे भाई तू तो अपने बच्चे की जगह लेने को तैयार है, जब कसाई तुझे काटेगा तो तेरी जगह कौन लेगा। खैर अगर बच्चा ठीक हो रहा होता तो हम इसे भी ले जाते, लेकिन बच्चे की तो हालत इतनी खराब थी जब हमारे हाथ में आया तो मानो कि वो पहले ही मर चुका था या ये मानो कि वो उसी दिन मर गया था जब वो किसी किसान के आने डेयरी में जन्मा था।